अगर आप भी मिलेनियर और बिलेनियर बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बगल वाले घंटे को दबाइए जिससे कि आप हमारे परिवार में शामिल हो सकें। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, जैसा कि आपने आज रील में देखा, आज आपको बताऊंगा टॉप 5 ऐसी स्किल्स जिनको आप इस जॉब मार्केट में सीख सकते हो, अपने आप को और प्रोडक्टिव बना सकते हो। इससे पहले मैंने आपको और प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ वीडियोस बनाई हैं, उन सबको भी आप मेरी आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाके और मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, जिससे कि आप और प्रोडक्टिव बन जाओ इस वीडियो के बाद भी। तो भी पहले इस वीडियो को देखो शुरू से एंड तक, पूरी वीडियो को एंड तक देखना और जब भी लाइक करना तभी सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना लेकिन एंड तक पूरी वीडियो को देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी और आप इस वीडियो से और कुछ नया सीख सकते हो। तो भाई ये वीडियो जो मैं आप इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आप और अच्छी अर्निंग कर सकते हो अपने इस लॉकडाउन पीरियड में, लेकिन ये अर्निंग की वीडियो नहीं की स्किल्स की वीडियो है। स्किल्स की मदद से आप लॉकडाउन के बाद अपनी जॉब पा सकते हो, अपने और भी कुछ अच्छा स्टार्टअप और बिजनेस खोल सकते हो। तो भाई इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि टॉप 5 स्किल्स आप कैसे सीख सकते हो, कौन सी टॉप 5 ऐसी स्किल्स हैं जो आपको मिलेनियर और बिलेनियर बना सकती हैं, जो कि बहुत सारे लोग मिलेनियर और बिलेनियर इनसे स्किल्स से बन चुके हैं और वो इसमें मास्टरी कर चुके हैं। तो भाई आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाइयों जो अपनी पहली स्किल आती है वो है कम्युनिकेशन स्किल। ये क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंदी बता देता हूँ। ये होती है बातचीत करने की कला, स्किल जिसको हम कला कहते हैं, और कम्युनिकेशन को कहते हैं बातचीत करने की कला, कम्युनिकेशन स्किल। यानी कि जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये एक कन्वर्सेशन हुई, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मैं आपको किस तरह से किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये कम्युनिकेशन स्किल्स के पार्ट में आता है। जैसे कि मैं अपने हाथों के इशारों को आपको किसी प्रोजेक्ट को किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसे या फिर ये चीज़ ऐसे, तो भाई मैं आपको ऐसे इशारे में समझाऊँ तो भाई ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है। ये बॉडी लैंग्वेज में आती है, किस तरह से आप बैठते हो, किस तरह से सामने वाले की आप आंखों में आके देख के बात करते हो। जैसे कि मैं अभी आपकी आंखों में आके देख के बात कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी मैं उधर उधर हिल नहीं रहा हूँ, क्योंकि भाई आपको बिल्कुल एक अच्छा राइट डायरेक्शन मिलना चाहिए किसी भी बात में। कभी आपको मेरी बातों पर इंटरेस्ट आएगा और आप मुझे लगेगा कि आप मेरी बातों पर इंटरेस्ट ले रहे हो। अगर मेरे सामने कोई और बैठा होता और वो मेरी बात को सुन रहा होता तो भाई उसको भी लगना चाहिए कि हाँ ये कुछ बोल रहा है जो मेरे काम का है और भाई आप भी उसको मेरे इंटरेस्ट ले सकते हो। तो यही आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप सब जानते हो कि आप अगर स्कूल में पढ़ते हो या फिर किसी सेमिनार में जाते हो, वेबिनार में जाते हो, तो भाई जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं वो सेमिनार और वेबिनार अटेंड करते हैं, अगर वेबिनार लेते हैं, क्योंकि भाई उनको कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टरी होती है, उनको पता है कि किस तरह से किस व्यक्ति के साथ कौन सी बात करनी है जिससे कि वो उनकी बातों में प्रभावित हो जाए और उनकी बातों को मान जाए और उनकी बातों में अपना इंटरेस्ट जताने लगे। भाई यही कम्युनिकेशन स्किल में आप बहुत ही अच्छी मास्टरी करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम इसमें इन्वेस्ट करना होगा, वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इन्वेस्ट करने से ही 2 का 4 हो जाता है और 4 का 16 हो जाता है, 8 में 16, क्योंकि कंपाउंडेड ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। कंपाउंडिंग के ऊपर वैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो उनकी आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगी। तो भाई कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही जरूरी होती है किसी भी इंसान के लिए। अगर आप कोई बड़ा इंसान बनना चाहते हो, बड़ी सोच रखते हो, तो भाई कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कमाई होगी। जब आप वेबिनार और सेमिनार ऐसे अटेंड करोगे तो आपको बहुत सारे हजारों लाखों लोगों के सामने बोलना होगा, और भाई उनके सामने बोलना होगा तो आप झिझक झिझक के बोल भी सकते हो, आपको एकदम स्ट्रेट एकदम सीधे आपको बोलना होगा जिससे कि वो आपकी बात को सुने और आप उनकी बात को समझें और उनकी बात पर रिएक्ट करें। और भाई बहुत ही अच्छा आपको एक कन्वर्सेशन सबके बीच में बिठानी होगी, इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सीखनी होगी। इनको सीखने के लिए आप यूट्यूब पर जा सकते हो, यूट्यूब पर इस प्लेटफॉर्म इस वीडियो पे इस प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो देख रहे हो। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो भाई फेसबुक पे देखो, लेकिन यूट्यूब पर सर्च करो कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको लाखों ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो कि इतनी अच्छी है। भाई मैंने भी जैसे सीखी है कम्युनिकेशन स्किल्स, आप सबको सिखाने की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होती है, एक बार जाओ सही और देखो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, आपको पता चलेगा कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी जरूरी है किसी भी इंसान के लिए। तो अब चलते हैं दूसरी स्किल की ओर। तो दोस्तों जो अपनी दूसरी स्किल आती है वो है सेल्स, यानी बेचने की कला। अब बेचने की कला क्या होती है, यानी कि अगर आपको कोई बात अपने पेरेंट्स से बनवानी है, अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपको कोई चीज बुलाए, अगर आप चाहते हो कि अगर आपके पेरेंट्स आपको फ़ोन बुलाए, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो, तो भाई आपको रिक्वेस्ट से कुछ नहीं होगा, आपको ये सेल्स जो स्किल है ना ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि भाई ये बेचने की जो कला है जो स्किल है ये हर इंसान को आनी चाहिए, हर बिजनेसमैन को तो आनी ही चाहिए, क्योंकि उसका तो रोज ये काम आता है कि वो अपने कस्टमर को कुछ ना कुछ बेचे। और ये स्किल बहुत से बिजनेसमैन के पास होती है जिनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है इस स्किल का, जिनको पता होता है कि स्किल कितनी अच्छी है, कितना अच्छा वर्क करती है।
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाऊँ, जैसे कि आप बाजार में गए कुछ शर्ट लेने, तो भाई कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं, कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं उनके पास स्किल में मास्टर होती है, वो स्किल में परफेक्शन होते हैं, तो वही आपको पहले आपको अपनी बातों को जाएंगे, आपके थोड़ा रिलेशनशिप बनाएंगे, आपका नाम पूछेंगे, आपको पानी पिलाएंगे, आपको चाय पिलाएंगे, और फिर आपको उनकी स्कीम बताएंगे, और फिर आपको उधर बैठा के आराम से आपको समझाएंगे कि ये इस चीज़ के साथ ये ऑफर चल रहा है, तो आप इस शर्ट के साथ अगर जीन्स खरीद दो तो आपको ये चीज़ फ्री मिल जाएगी। तो भाई आपको ऐसे बातों में बोल जाकर आपको भाई शर्ट के साथ पैंट जीन्स और बहुत सारी चीज़ें आपको भेज देंगे, क्योंकि यही बेचने की कला है भाई। आप सामने वाले के मन को पढ़ के वो क्या चाहता है ये आप ना जानते हो कि भाई उसको जाने, और भाई उसको जो चीज़ चाहिए वो तो दें, और जो नहीं भी चाहिए वो भी दें, क्योंकि भाई यही सेल्स की कला है। जो चाहिए नहीं वो भी बेच देना, किसी भी चीज़ को 10 की चीज़ को 50 में बेच देना ही सेल्स कराता है भाई। अगर 10 की चीज़ को 5 में बेचो वो तो घर पर बेच देता है, 10 की चीज़ को 50 में बेचना ही सेल्स कराता है। बेचने की कला यही कराती है। आप उस 10 रुपये की चीज़ में ऐसा क्या कर सकते हो जिससे वो 50 रुपये में बेचे, क्या यूनिक कर सकते हो, क्या उसमें और क्वालिटी ऐड कर सकते हो जिससे वो 50 रुपये में बेचे, यही सेल्स की एक खासियत है भाई। यही स्किल हर बिजनेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर और हर स्टार्टअप खोलने वाले इंसान के पास होनी चाहिए, जिससे कि वो हर इंसान को अपने विचारों से एकदम संबोधित कर सके। अगर आपको अपने पेरेंट्स से कोई बात मिलवा तो आप उनसे मिलवा सकें, तो ये स्किल ये कल आपको ज़रूर होनी चाहिए आपके अंदर, हर बिजनेस मैन के अंदर तो होनी चाहिए जो कि दुकान चलाते हैं, क्योंकि उनको तो भाई रोज़ अपने कस्टमर्स को इन स्किल्स को यूज़ करना चाहिए और अच्छा प्रॉफिट उनसे कमाना चाहिए। तो भाई आप चलते हैं अपनी तीसरी स्किल की ओर। तो भाई वो किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर आपने 5 पैसों को काम पर नहीं लगाया तो भाई आपको जल्दी कर पैसों के लिए काम करना पड़ेगा। तो भाई सोच लो क्या करना है आपको, पैसों को काम पे लगाना है या फिर पैसों के लिए जिंदगी भर काम करना है। तो भाई मुझको तो पैसों के लिए काम नहीं करना है, मुझको तो पैसों को काम पे लगाना है। तो इसी के आधार पर जो अपनी तीसरी स्किल आती है वो है इन्वेस्टिंग। अभी इन्वेस्टिंग की स्किल अगर आपने सीख ली तो भाई इस स्किल की वजह से आप करोड़पति आराम से बन सकते हो, क्योंकि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफे इसी स्किल्स के आधार पर इतने करोड़पति बने हैं, इतने अरबपति बने हैं, क्योंकि भाई उनको शेयर मार्केट $1,000 यानी कि $1,000 कमाने की उन्होंने भाई बुक रीडिंग की थी बहुत ही अच्छी। तो भाई उनको भी इन्वेस्टिंग एक बुक से आई थी जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बुक थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो कि आज भी बहुत फेमस बुक है, उससे भी आप इन्वेस्टिंग सीख सकते हो। तो भाई इन्वेस्टिंग सीरीज क्या होती है, पैसों से पैसा कमाना इन्वेस्टिंग होती है, यानी अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो उनको आप इन्वेस्ट करके 100 कैसे कर सकते हो, यही इन्वेस्टिंग कराती है। तो भाई अगर आप अच्छा रिटर्न पाना चाहते हो तो आप शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करंसी मार्केट का चुनाव करें, लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप FD PPF या RDA में चुनाव कर सकते हो, जो कि आपको बैंक में सुविधा उपलब्ध होती है। लेकिन आप भाई FD PPF और RDA की भाई रेशो, जो उनके जो रिटर्न के रेशो होते हैं उनसे संतोष नहीं हो, उनसे खुश नहीं हो, क्योंकि भाई अगर आप 1,00,000 रुपये FD में लगाते हो एक साल के लिए तो भाई 1,07,000 मिलते हैं, क्योंकि भाई 7% का जो बस रेशो होता है उससे भी कम होता है, भाई 7% भी आपको नहीं मिलता है भाई। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट का चुनाव करते हो स्टॉक मार्केट का, तो भाई आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है 20-25% का, जिसकी वजह से भाई अच्छा रिटर्न इधर से कमा सकते हो, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो भाई। इधर से आप शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में दोनों में कमा सकते हो, लेकिन FD में तो भाई आपको फिक्स अमाउंट मिलता है, लेकिन शेयर मार्केट में रिस्क होता है लेकिन भाई प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। अगर प्रॉफिट चाहिए तो भाई शेयर मार्केट का चुनाव जरूर करना, लेकिन भाई अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो भाई FD PPF RDA आपके लिए बने हुए। तो भाई और अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हो लेकिन रिस्क भी कम लेना चाहते हो, तो भाई कम निवेश करें, अपनी सैलरी का 10% ही निवेश करें, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है। कैलकुलेटेड रिस्क लें, आपको पहले पूरी कंपनी में एनालिसिस करें कि ये कंपनी कब ग्रोथ करेगी। मैं आपको बता चुका हूँ भाई कंपनी में तभी निवेश करना चाहिए जब उसका सीजन डाउन हो, जब उसका सीजन नहीं हो, जिससे कि उसका शेयर सस्ते में मिले। जैसे कि आजकल इंडिगो, जो कि भाई एयरप्लेन की कंपनी है, उसका शेयर बहुत सस्ता है, क्योंकि भाई एयरप्लेन नहीं चल रहे हैं, उसका सीजन डाउन है, क्योंकि मैंने उसमें निवेश कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगले 6 महीने बाद जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जब फ्लाइट उसकी उड़ेंगी, उसकी टिकट बुक होंगी, तो बहुत ही अच्छा बढ़ा उसमें आने वाली है, तो आप भी उसमें निवेश कर सकते हो, मैंने इसको पहली वीडियोस में बता रखा है। तो इन्वेस्टिंग भी आप यूट्यूब पर जाकर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो फ्री भी हैं पेड भी हैं भाई आप सीख सकते हो। लेकिन आप भाई पूरी इन्वेस्टिंग की सीरीज सीखना चाहते हो तो भाई इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई इस चैनल पर हम हर रोज़ या हर संडे में आपको बताता हूँ कि मैं रोज़ आपको डालता हूँ एक एक कुछ वीडियो डालता रहता हूँ इन्वेस्टिंग या शेयर मार्केट रिलेटेड,
तो भाई आप उनसे सीख सकते हो फ्री में हमारी वीडियो से। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो कि पेड कोर्स भी सेल करते हैं, आप उनका भी पेड कोर्स ले सकते हो, या यूट्यूब पर ऐसे फ्री वीडियोज भी हैं जिनको आप देख सकते इन्वेस्टिंग सीख सकते हो। तो भाई अब चलते हैं अपनी चौथी स्किल की ओर। तो दोस्तों जो अपनी चौथी स्किल आती है वो है भाई बुक रीडिंग। बुक रीडिंग किसी महान इंसान ने कहा है कि मूर्ख लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं जबकि बुद्धिमान लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। यानी अगर आप मूर्ख हो तो यह मैं आपको मूर्ख नहीं कह रहा हूँ, अगर आप अपनी गलतियों सीखते हो यानी कि आप गलतियाँ करते हो फिर सीखते हो तो यह मूर्ख हो क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हो तो यह आप दूसरों की गलतियों सीख जाओगे। अगर किसी के बैंक अकाउंट से पैसे हो गए, किसी ने किसी के बैंक अकाउंट से पैसे उठा लिए क्योंकि उसने अपना OTP उसको शेयर किया था, तो भाई आप बुद्धिमान होंगे तो आप सीख जाओगे कि हाँ किसी को अपना OTP किसी को भी शेयर नहीं करना है। अगर आप बुद्धिमान होंगे तो आप पता चल जाएगा कि भाई किसी को OTP शेयर नहीं करना है, किसी को अपनी अपनी जो क्रेडेंशियल्स होती हैं अपनी जो पर्सनल चीज़ होती है उनको किसी को नहीं देना चाहिए कि तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। लेकिन आप मूर्ख होगे तो आप भाई अपनी चीज़ों को दे दोगे और फिर आप कहोगे कि अपने अनुभव से मैं सीखा, तो ये मूर्ख लोगों का काम है। तो आप बुद्धिमान बनिए और दूसरों के अनुभव से सीखिए, क्योंकि दूसरों के अनुभव से सीखने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो है बुक रीडिंग। यानी कि जो दूसरे लोग जो सफल इंसान है वो अपने एक्सपीरियंस है जो अपनी गलतियाँ हैं उनको बुक में लिख के गए हैं पहले से, तो भाई आपको गलतियाँ करने की जरूरत नहीं है, कम से कम गलतियाँ कीजिए और उनसे अगर गलतियाँ करते हो तो हर गलती से सीखिए, यही गलतियों का जो फंडा है भाई। क्योंकि भाई गलतियाँ ही इंसान को सक्सेस की ओर लेके जाती हैं, क्योंकि भाई हर गलती पे हर इंसान की एक गलती पे सक्सेस का डब्बा लगा ही होता है। तो भाई आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए। हर एक इंसान जो सफल बन चुका है आज भी भाई वॉरेन बफे, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और भी बड़े बड़े इंसान आज भी बुक रीडिंग करते हैं क्योंकि भाई उनको अपनी नॉलेज और बढ़ानी है। वो अपनी नॉलेज से संतुष्ट नहीं है, वो अपने आप को कभी भी एक नॉलेजेबल पर्सन नहीं मानते हैं, वो अपनी नॉलेज को हर रोज़ बढ़ाते हैं। हर महीने में 3 से 4 बुक पढ़ते हैं, तो आप तो भाई एक भी बुक नहीं पढ़ते होंगे। भाई आप भी आज से भाई बुक पढ़ना शुरू कीजिए, वो भी बुक रीडिंग बहुत ही अच्छी है। वॉरेन बफे की मैंने आपको बताया कि जब वो 11 साल की थी तब उन्होंने एक बुक पढ़ी थी $1,000 यानी हज़ार तरीके $1,000 कमाने के, और उससे उन्होंने अपने पहला बिजनेस स्टार्ट किया था जिसकी वजह से भाई आज वो इतने बड़े इंसान बन चुके हैं। और भाई उन्होंने भी बहुत सारी स्किल्स सीखी हैं, उन्होंने भी वो भी कहते हैं कि भाई मैंने थोड़ी वो स्किल्स सीखी हैं लेकिन उनमें इतनी मास्टरी की है कि वो स्किल्स अब मेरे एकदम हाथ में पकड़ में आ चुकी है। तो भाई आप भी इन स्किल्स को जरूर सीख सकते हो। अगर वीडियो अभी अच्छी लग रही है तो अभी लाइक कर दो, या फिर अगर अच्छी नहीं लग रही तो पूरी वीडियो देखो फिर लाइक करना और चैनल को भी तभी सब्सक्राइब करना। तो आप चलते हैं अपनी पांचवी और आखिरी स्किल की ओर। तो दोस्तों जो अपनी आखिरी स्किल आती है वो है हाउ टू लर्न। तो ये मेरी सबसे फेवरेट स्किल है, सबसे सबसे फेवरेट स्किल, क्योंकि भाई इसको मैंने दिसंबर और जनवरी के बीच में सीखा है, क्योंकि भाई मुझको ये स्किल बहुत ही अच्छी लगती है। इसलिए क्योंकि भाई ये जो सीखने की कला है हाउ टू लर्न, ये ऐसी कला है जिसकी वजह से आप कुछ भी सीख सकते हो। अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट नहीं था भाई, मुझे भी नहीं था, अगर आपको अभी नहीं है तो इस स्किल को जरूर सीखें। यूट्यूब पर सर्च करें हाउ टू लर्न की स्किल को कैसे सीखें। भाई आप इसको सीखने के लिए कुछ भी आपको नहीं करना है, बस रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहिए, रोज़ सीखिए, अच्छा कुछ सीखते रहिए। इन्वेस्टिंग की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, और मैंने आपको बुक रीडिंग की जो स्किल्स बताई उनको सीखते रहिए, और इन्हीं में आपको जो सीखते सीखते भाई आपको और भी ऐसी स्किल्स आ जाएंगी जो कि भाई हाउ टू लर्न में आती है। आप अपने आप कुछ ना कुछ सीखने लग जाओगे, आपका जो दिमाग जो अभी तक बंद पड़ा था वो चलने लग जाएगा, एक उसमें उसकी गाड़ी भरने लग जाएगी, क्योंकि भाई हाउ टू लर्न की जो स्किल है वो आपके माइंड को एकदम प्रोडक्टिव बना सकती है और भी और अच्छा बना सकती है। क्योंकि भाई जो हाउ टू लर्न को स्किल जो मैंने सीखी है बहुत ही 3-4 महीने पहले सीखी है, क्योंकि तो मैं भी 4-5 वीडियो हर रोज देखता था जिनमें डॉक्टर और संदीप सर की मैं वीडियो देख रहा था, जिनकी वजह से मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ और मुझे उनकी वीडियो बहुत ही अच्छी लगने लगी थी, और भाई उन्होंने मुझे बहुत ही इंस्पायर किया, और भाई उनकी वजह से भाई आज मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे उनसे बहुत ही अच्छी नॉलेज हुई और उसमें मैंने और भी अपनी इस तरफ से नॉलेज जोड़ी, और आपके सामने आज पेश करता हूँ अपनी नॉलेज को। भाई आपको बताता हूँ कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन और स्टार्टअप अपना कैसे खोल सकते हैं, आप कुछ भी अपना बिजनेस में कैसा करियर बना सकते हो, जॉब की भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज बताता हूँ। तो भाई यही हाउ टू लर्न की जो स्किल है वो ये सीखने के नाम, रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहिए, रोज़ बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और भाई अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बढ़ा दीजिए और बड़े सफल इंसान बनिए, यही मेरा मोटिव है। तो भाई ये इसकी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक अभी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को छोड़ के मत जाओ, और भी हमारी जो वीडियोस हैं वो आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।